नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का ये वीडियो होने वाला है डिटेल कंपैरिजन तीन ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर जिनका रेंज बहुत ही क्लोज है, जैसे कि ओकिनावा आई प्रेस प्लस 139 किलोमीटर कंपनी रेंज है, ओकाया फास्ट एफ फोर 150 to 200 किलोमीटर रेंज कंपनी क्लेम, और हीरो ऑप्टिमा सीएक्स ईआर 140 किलोमीटर रेंज एज पर कंपनी। और ये तीनों स्कूटर का डिटेल कंपैरिजन हम करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। और ये कंपैरिजन हमें करने को बोला था हमारे एक सब्सक्राइबर है श्रावण बी नाम के, उन्होंने बोला था हाय सर, योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी यूजफुल सर, प्लीज कंपेयर ओकिनावा एप्रेज प्लस हीरो ऑप्टिमा सीएक्स ईआर ओकाया फास्ट F4, आई वांट टू प्लान टू बाय इलेक्ट्रिक स्कूटर। श्रावण सर आपने बोल दिया और हमने वीडियो आपके लिए बना दिया, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको कुछ भी सजेशंस है, क्वेरीज है बाकी सब्सक्राइबर्स लोगों के लिए, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये है डिटेल कंपैरिजन ओकिनावा आई प्रेस प्लस ओकाया फास्ट F4 और हीरो ऑप्टिमा सीएक्स ईआर में। स्टार्ट करते हैं बैटरी के साथ। तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको डिटैचेबल बैटरी मिल जाएगी। ओकिनावा आई प्रेस प्लस में 3.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, ओकाया फास्ट F4 में 4.4 किलोवाट का मिलता है किलोवाट आवर का, और हीरो ऑप्टिमा CXER में 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। एक यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है 1 किलोवाट आवर। तो गाइस आपको अगर एक यूनिट की कॉस्ट करीबन 10 रुपए लग रही है चार्जिंग को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओकिनावा आई प्रेस प्लस 33 रुपीज में चार्ज हो जाएगा, ओकाया फास्ट F4 44 रुपीज में चार्ज हो जाएगा, और हीरो ऑप्टिमा CXER खाली 30 रुपए में चार्ज हो जाएगा। और इतने चार्जिंग में रेंज कितना मिलेगा, ओकिनावा आई प्रेस प्लस 139 किलोमीटर का रेंज देगा, मतलब 33 रुपए में 139 किलोमीटर। जो ओकाया फास्ट F4 है वो 150 से 200 का रेंज कंपनी ने बोला है, तो इसका एवरेज पकड़ लेता है करीबन 170 तो मिनिमम मिलेगा आपको रेंज ओकाया फास्ट F4 में। 44 रुपीज में 170 किलोमीटर जा पाओगे, और हीरो ऑप्टिमा CXER आपको 140 किलोमीटर का रेंज देगा खाली 30 रुपीज में। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूं गाइस, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की रनिंग कॉस्ट आप अगर कैलकुलेट करो, इसको पैसे में कन्वर्ट करो या एक किलोमीटर की कॉस्ट करो, तो शायद आपको 15 से 20 पैसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर एक किलोमीटर लेके जाता है, कितना 15 से 20 पैसे में। और एक आपके लिए बात बोल देता हूं, अगर आपको पेट्रोल के लिए महीने के लिए 5,000 रुपए लग रहे हैं इलेक्ट्रिक पेट्रोल गाड़ी के लिए, तो आपको इलेक्ट्रिक के लिए ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए लगेंगे, क्योंकि रनिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल स्कूटर। तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि रनिंग कॉस्ट कम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदनी चाहिए। तो मैंने बात कर दी गाइस ओकिनावा के रेंज के बारे में, ओकाया और हीरो की भी रेंज मैंने आपको बता दी। तो रेंज की बात करें तो यहां पर बाजी मार रहा है ओकाया, बैटरी की बात करें तो ऑफकोर्स ओकाया बाजी मार रहा है, क्योंकि जो रेंज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैटरी कैपेसिटी होती है, जितनी बैटरी कैपेसिटी ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को रेंज ज्यादा मिल जाती है। अभी ये मैं इरेज कर रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया है, नहीं तो आप पॉज कर लेना, लिख ले सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, तो मोटर की बात करें तो यहां पे तीनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको BLDC हब मोटर मिल जाएगा, यहां पे मैंने उनके पिक पावर्स मेंशन की है। ओकाया फास्ट F4 और ओकिनावा आई प्रेस प्लस में सेम कैपेसिटी के लगभग आपको मोटर्स मिल जाएंगे। BLDC हब मोटर होता क्या है और PMSM मोटर होता क्या है, IPMM मोटर होता क्या है, क्यों ओला एथर को ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है एज कंपेयर टू हीरो ओकाया या बाकी की स्कूटर जिसमें BLDC हब मोटर होता है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, वो जाके जरूर देख लेना ताकि आपको मोटर के बारे में भी क्लैरिटी हो जाए। तो 2.5 किलोवाट की पिक पावर वाली BLDC हब मोटर ओकाया में मिलेगी, ओकिनावा में मिलेगी। हीरो ऑप्टिमा CXER में उन्होंने मोटर कैपेसिटी कम रखी है, क्योंकि उनका जो व्हीकल है उन्होंने मेनली सिटी के लिए बनाया है, कम क्या बोलते हैं उसका बिल्ड क्वालिटी मुझे हीरो का टू बी वेरी फ्रैंक अच्छा नहीं लगा, बट एक सिटी के लिए बात करूं तो एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिक स्कूटर हीरो ऑप्टिमा CXER है। अगर बात करेगा इस टॉप स्पीड की, तो सबसे ज्यादा टॉप स्पीड भी आपको ओकाया फास्ट में मिल जाएगा, 60 to 70 KMPH का टॉप स्पीड ओकाया फास्ट 4 में मिलेगा।
और आपको ओकिनावा में 58 का मिलेगा और हीरो में आपको 45 केएमबीएच का टॉप स्पीड मिलेगा। तो अभी तक मैं बात करूं तो बैटरी के रेटिंग में भी ओकाया एक नंबर है, रेंज में भी ओकाया नंबर है एक नंबर, और टॉप स्पीड में भी ओकाया फास्ट F4 एक नंबर है। बाकी बात करें गाइस, एक भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का टॉक का फिगर मुझे नहीं मिला। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मुझे टॉक के डिटेल्स कौन से भी इन तीनों के इलेक्ट्रिक स्कूटर के नहीं मिले। गाइस ये जो मैं एजुकेट कर रहा हूं आपको, मैं भी एक कंटिन्यूअस लर्नर हूं, मुझे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, मैं आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गलती हो गई, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं इस सारे नॉलेज का और मेरा एक सिर्फ काम है कि आपको नॉलेज देना। तो टॉक मुझे पता नहीं इसलिए मैंने नहीं बोल दिया नॉट एप्लीकेबल और नॉट अवेलेबल। आपको अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना कि ओकिनावा, ओकाया, हीरो इसमें से कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर को ज्यादा टॉक मिलता है। ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो ओकिनावा ने ग्रेडेबिलिटी मेंशन नहीं किया उनके वेबसाइट के ऊपर। ग्रेडेबिलिटी मतलब होता क्या है, अगर ये फ्लाईओवर है तो ये जो एंगल फ्लाईओवर जमीन के साथ करता है ये एंगल मतलब ग्रेडेबिलिटी होती है। अभी हीरो के लिए ग्रेडेबिलिटी 7 डिग्री है तो सिटी के लिए ये ग्रेडेबिलिटी ठीक है, सिटी के जो हाईवेज है उसमें अच्छा रहेगा। बट अगर आप हिली एरियाज में रहते हो, अगर आपको घाट्स क्रॉस करने हैं तो 7 डिग्री ग्रेडेबिलिटी आपके लिए काम की नहीं है। तो उसमें आपको एथर में 20 डिग्री ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है ओकिनावा की जो OK90 है उसमें भी आपको बहुत अच्छी खासी ग्रेडेबिलिटी 15-20 डिग्रीज मिल जाएगी। ओला में ग्रेडेबिलिटी है 13 डिग्री, एम्पियर मैग्नस EX में है ग्रेडेबिलिटी 12 डिग्री। तो ग्रेडेबिलिटी इंपॉर्टेंट है अगर आप सिटी के बाहर जाना चाहते हो, अदरवाइज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कर्व वेट की बात करें तो फिर से ओकिनावा आईप्रेस प्लस और ओकाया फास्ट F4 का कर्व वेट मुझे मिला नहीं, पर हीरो एम्पियर, हीरो जो ऑप्टिमा CXER है बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि बैटरी और मोटर कैपेसिटी, बैटरी तो ड्यूअल है, इसमें दो बैटरी आती है, एक जो बैटरी है 1.5 किलोवाट आवर की है, ऐसी दो बैटरीज बैठती है तो 3 किलोवाट आवर की हो जाती है। तो बैटरीज तो दो है, मोटर भी अच्छा खासा है, फिर भी कर्व वेट कम है क्योंकि इनका जो फाइबर है, जो चासीज है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा मजबूत नहीं है। सस्पेंशन में भी हीरो ने थोड़ा सा मार खाया है, ओके, बट सिटी के लिए फिर से बोल रहा हूं हीरो एक अच्छा रहेगा। बूट स्पेस की बात करें तो ओकाया फास्ट F4 में कुछ भी बूट स्पेस अवेलेबल नहीं है, नो बूट स्पेस एट ऑल, पूरा बूट स्पेस बैटरी खा जाता है। यहां पे मैंने गलती किया, देखो यहां पे मैंने 12 इंच आ गया व्हील साइज, ओकिनावा में भी नो एप्लीकेबल बूट स्पेस, ओकिनावा में भी अवेलेबल नहीं है, ओकाया में भी अवेलेबल नहीं है, बट हीरो ऑप्टिमा CXER में आपको 15-20 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। अभी प्राइसिंग की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो एक शोरूम प्राइस सबसे कम है हीरो ऑप्टिमा CXER 77,490, आपको करीबन 95,000 तक ऑन रोड हीरो ऑप्टिमा CXER मिल सकती है आपके सिटी में। फिर से बोल देता हूं, एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट वेरी हो सकता है। ओकाया फास्ट F4 की बात करें तो एक शोरूम प्राइस 99,000 है, मतलब एक आपको करीबन 1,15,000 तक या 1,20,000 तक ऑन रोड मिल जाएगा। और ओकिनावा आईप्रेस प्लस की बात करें तो 1,05,990, मतलब 1,06,000 है, मतलब ऑन रोड ये करीबन 1,22,000 तक आपको जा सकता है। तो मैं हीरो को क्यों सिलेक्ट करूंगा अगर ये तीन ऑप्शन है तो, अदरवाइज मैं हीरो को नहीं सिलेक्ट करूंगा। अगर ये तीन ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं हीरो को क्यों सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि 1,00,000 के नीचे इलेक्ट्रिक स्कूटर है, 140 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है मुझे, 45 KMPH अच्छा स्पीड है, सिटी के लिए ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है, कर्व वेट कम है, बूट स्पेस मिल रहा है। ओकिनावा आईप्रेस प्लस और ओकाया फास्ट F4 में बूट स्पेस अवेलेबल नहीं है, ओके, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात करें हीरो की तो उनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, बहुत सारे शोरूम्स अवेलेबल है, तो सर्विस भी आपको मिल ही जाएगी आपकी सिटी में। ओकाया की बात करें तो ओकाया अभी नया ब्रांड है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, बट उसकी जो बैटरी है वो बहुत ही पुरानी है, बैटरी वाली कंपनी है ओकाया, अभी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आई है। बैटरी केमिस्ट्री की बात करें तो हीरो ऑप्टिमा CXER में आपको LFP केमिस्ट्री मिल जाएगी, ओकाया फास्ट F4 में भी आपको LFP केमिस्ट्री मिल जाएगी। ओकिनावा का क्या चल रहा है पता नहीं, कुछ गाड़ियां LFP की है, कुछ गाड़ियां NMC की है। अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट केमिस्ट्री क्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, केमिस्ट्री क्या होती है, LFP, NMC, NCA ये क्या है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है। LFP केमिस्ट्री अच्छी होती है एज कंपेयर टू NMC केमिस्ट्री, बट NMC केमिस्ट्री बहुत बड़े बड़े स्कूटर्स में है, जैसे ओला, एथर, इनमें NMC है। अभी जो TVS iQube आया है उसमें LFP केमिस्ट्री है। तो NMC, LFP क्या होता है उसके ऊपर अगर जानकारी चाहिए तो चैनल में जाइएगा, आपको डिटेल्स
मिल जाएंगे। और ओकिनावा की बात करें तो अच्छा ब्रांड है आईप्रेस प्लस, बट इसमें मुझे खाली प्रॉब्लम यह लग रहा है कि देखो ना 139 किलोमीटर की रेंज दे रहा है, ये 140 किलोमीटर की रेंज दे रहा है। ओकिनावा आईप्रेस प्लस 139 की दे रहा है, हीरो ऑप्टिमा सीएक्सआर 140 की दे रहा है, तो रेंज तो सेम मिल रही है, बट आप देखो यहां पे मोटर ज्यादा बड़ी यूज कर ली ओकिनावा ने, बैटरी कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, ओकिनावा ने मोटर ज्यादा बड़ी यूज कर ली और इसके वजह से उनको क्या हुआ कि आपका प्राइस बढ़ गया, वो 1 लाख के ऊपर चला गया, 1,25,000 तक आपको वो ऑन रोड ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। तो यहां पे विनर मुझे सीधा लग रहा है हीरो ऑप्टिमा सीएक्सईआर। फिर से बोलता हूं ये हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प का कुछ संबंध नहीं है, हीरो इलेक्ट्रिक ये हीरो मोटोकॉर्प वाले के चचेरे भाई ने शुरू किया है उनकी परमिशन ना लिए बिना लिए। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्रावण भाई ये वीडियो कैसा लगा, आपको आपके डाउट क्लियर हो गए क्या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो pvj_tasveerwala मेरा हैंडल है, प्लीज वहां पे आप कुछ भी कमेंट सजेशन कर सकते हो उसका मैं जवाब दूंगा, यहां पे भी वीडियो के नीचे करना उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलेंगे गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।